नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर स्वर्गीय विंदेश्वरी प्रसाद मंडल बीपी मंडल की जयंती समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव 66 विधानसभा क्षेत्र से स्याना से समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी राजकुमार भुर्जी के कैंप कार्यालय पर मनाई गयी। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार। बीपी मंडल की जयंती के कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राकेश त्यागी, सपा स्याना विधानसभा अध्यक्ष ब्रह्म सिंह मलिक, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष ताहिर अली सैफी, जिला सचिव इब्राहिम खान, समाजवादी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष सलमान पाली, समाजवादी लोहिया वाहिनी के पूर्व नगर अध्यक्ष वसीम चौधरी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बीपी मंडल की जयंती के मौके पर स्याना विधानसभा से संभावित प्रत्याशी राजकुमार भुर्जी ने कहा, बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। सी आयोग की रिपोर्ट पर ही केंद्र सरकार ने पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया था। आगे बोलते हुए राजकुमार भुर्जी ने कहा, भाजपा पिछड़ों को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रही है। पिछड़ों को सावधान रहना होगा। भाजपा ने ही आरक्षण देने वाली सरकार को गिराया था। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में और सड़क पर साफ कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हो हिस्सेदारी। विशेष संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के आपके यहाँ कार्यालय पर क्या प्रोग्राम किया गया है? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के आह्वान पर और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजपाल कश्यप जी के दिशा निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीपी मंडल जी की जयंती का आयोजन किया गया है। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज़। नमस्कार।